इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज सुबह दर्शन के लिए पहुंचे दूल्हा दुल्हन को वैक्सीन नहीं लगी थी, इसलिए गार्ड ने उन्हें वापस लौटा दिया। दूल्हा दुल्हन ने यहीं परिसर में बने वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगवाई और फिर जाकर दर्शन करने का मौका मिला। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि मंदिर परिसर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में आज भी लोग वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं, जहाँ वैक्सीन लगवाने वालों को खिचड़ी और खीर का प्रसाद दिया जा रहा है। पंडित भट्ट ने बताया कि मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए आज अलग तरह की व्यवस्था की गई है। मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ एकत्रित ना हो, इसलिए बारी बारी से प्रवेश दिया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ये आज गणेश जी के दरबार में आए हैं आप शादी के बाद, हाँ। क्या मांगा है गणेश जी से? गणेश जी से खुशियाँ मांगी है उन्होंने कि हम दोनों साथ में रहे, अच्छे से रहे, गणेश जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हम जैसे ही गणेश मंदिर में आए फिर हमको पता चला कि यहाँ पर वैक्सीन लगना जरूरी है, तो हमने सोचा कि ठीक है हम यहाँ पर गणेश मंदिर के दरबार में ही हमको वैक्सीन लग गई, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, गणेश भगवान का आशीर्वाद हमारे पास बना रहते। दोनों लगवाई वैक्सीन? दोनों लगवाई, उसके बाद दर्शन किए? उसके बाद दर्शन। तो आप दूसरे लोगों को क्या कहेंगे जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन अभी तक? अरे लगवाइए, आप पता ही नहीं पड़ता कब इस वैक्सीन लग गई कब नहीं लगी, आप लगवाइए, जरूर लगवाइए, भगवान आपके साथ है। नाम बता दीजिए। दीपक, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम काव्या। लेकर किस तरह की तैयारियां की गई यहां और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उत्साह दिख रहा है? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना भक्तों के लिए खोल दिया गया है। श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी ने भक्तों के लिए यहां पर मंदिर बुधवार के लिए भी दर्शन के लिए खोल दिया गया है, और यहां पर वैक्सीन सेंटर भी, एक भव्य वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अगर आपको वैक्सीन लगा है तो प्रवेश दिया जाएगा, सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा या मोबाइल पे उसका मैसेज बताना पड़ेगा। इस दौरान भक्तों को यहाँ से वैक्सीन लगा के सीधे दर्शन के लिए प्राथमिकता? जो भी श्रद्धालु अगर वैक्सीन नहीं लगी है वो खजराना गणेश मंदिर पहले वैक्सीन लगा रही है उनको, उसके बाद ही उनको दर्शन का मौका दिया जा रहा है। और यह वैक्सीन सेंटर में भी आज सुबह से बहुत ही भीड़ है और अभी तक लगभग 350 वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। पंडित जी, इस दौरान अभी कुछ नवविवाहित जोड़े भी, पति मतलब शादीशुदा जोड़े भी आए थे, तो कहाँ से आए थे, किस तरह के मतलब वैक्सीन? अभी देवास से एक जोड़ा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था, पर सुरक्षा गार्डों ने उनको वैक्सीन नहीं लगे होने के कारण प्रवेश नहीं दिया था। उन्होंने यहाँ पर मुझसे संपर्क किया, उनको प्राथमिकता पे वैक्सीन लगवाई गई दोनों को, और वैक्सीन लगा के उनको प्रवेश दिया गया। उनके पास आधार कार्ड वगैरह सभी था, तो इसलिए उनको वैक्सीन लगवाने का मौका दिया गया। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और खजराना गांव के लोग भी आ रहे हैं, सबको यहाँ पे वैक्सीन लगा के ही दर्शन प्रवेश दिया जाएगा। क्या प्रसाद भी दे रहे हैं साथ में? हाँ, खजराना गणेश मंदिर पर जो भी वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको बटर खिचड़ी एवं केसरिया खीर का प्रसाद भी दिया जा रहा है, ताकि कोई खाली पेट ना रहे, वैक्सीन लगाए बाद खाना खा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।